नगरपालिका में जमकर हुई दारू पार्टी। इटावा जनपद में लगातार सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें भर्तना नगरपालिका के कार्यालय में दारू की पार्टी होने की जानकारी मिल रही है। इस संबंध में जब हमारे सहयोगी ने भर्तना की उपजिलाधिकारी नम्रता सिंह से बात करनी चाहिए, तो उन्होंने वायरल वीडियो पर बात करने से साफ इनकार कर दिया। फिर इस संबंध में भर्तना नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी राम आश्रय कमल से बात की, तो सारे ही अधिकारी इस मामले को दबाते हुए दिखाई दिए। अब सवाल खड़े होते हैं भर्तना के प्रशासन पर। नगर पालिका कार्यालय में दारू की पार्टी हुई थी, तो नगर पालिका तक दारू कैसे पहुंची? मैं इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद के भर्तना में, जहां पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें नगर पालिका परिषद के कार्यालय में दारू की पार्टी होती हुई नजर आ रही थी। लेकिन इस संबंध में जब हमने भर्तना की उपजिलाधिकारी नम्रता सिंह से बात करनी चाहिए, तो उन्होंने सारे ही मुद्दों से पल्ला झाड़ दिया है। इस संबंध में जब हमने अधिशासी अधिकारी से बात की, तो सारे ही अधिकारी जो हैं वो इस मामले को दबाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल यही उठता है भर्तना प्रशासन के ऊपर कि आखिर वहाँ पर जो दारू की पार्टी हुई थी, वो आखिर दारू वहाँ पर कैसे पहुंची? ये सवाल खड़ी करती है इटावा की जिलाधिकारी पर भी और उत्तर प्रदेश सरकार पर भी। अब देखना ये होगा कि खबर चलने के बाद प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। क्या नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी राम आश्रय कमल किस तरीके से मामले को दबाते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए। नगर पालिका परिषद में अभी सरकार का कोई संज्ञान में नहीं आया है प्रक्रम, लेकिन सोशल मीडिया पर तो जमकर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर आपका जो चल रहा है भी दिखाया गया है आपका नगर पालिका का, वो गलत है। और किसी के द्वारा इस तरह का कोई अराजक व्यक्ति इस तरह की व्यवस्थाएं उसमें बनाकर डाल दिया है। और मुझे जहाँ तक अभी उसी संबंध में उपजिलाधिकारी महोदय से बात हुई थी और उनको दिया था दिखाया था, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो डाला गया है उसमें किसी की उसमें फ़ोटो नहीं है और डेट भी नहीं है, ना ही उसमें समय नहीं था। तो ऐसी स्थिति में स्थान तो दिख रहा है कि हमारी पर ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में 8-10 बजे रात तक कम से कम हमारी दुकानें खुलती हैं, और बाहरी ऑफिस पर आने वाला गेट नहीं है। तो उसमें से आकर किसी व्यक्ति ने उस तरह की उसमें हरकत की है सर, इस पर सवाल। और उसे नियंत्रित करने के लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, एक CCTV कैमरा ये सही करा रहे हैं, दूसरा हम लोग उसमें कर्मचारियों को जो ड्यूटी बद्ध किया है उनको निर्देश दिया है कि यहाँ कोई व्यक्ति ऊपर नहीं जाएगा, तीसरा जो यहाँ हमारा गेट है उस गेट जो नहीं लगा है गेट उसमें हम आजकल में उसमें गेट लगवा देंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति एक समय पश्चात नगर पालिका कार्यालय के ऊपर न पहुंच सके।